आज हम देखेंगे गेयर एनिमेशन कैसे क्रिएट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेजेंटेशन पावर विद आर्यन आर तिवारी पे। तो आज हम देखेंगे गेयर एनिमेशन कैसे क्रिएट करें। तो ये गेयर एनिमेशन कुछ ऐसा होगा, लुक में कुछ ऐसा होगा, और जैसे ही हमने क्लिक किया हमारा एनिमेशन शुरू हो जाएगा। तो जब तक अगर आप नेक्स्ट क्लिक नहीं करोगे ये एनिमेशन चलता रहेगा। तो आज हम यही क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक ब्लैंक स्लाइड ले लेनी है। आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिखाई देगा, आपको यहाँ से लेआउट में ब्लैंक कर देना है और इंसर्ट में जाके हमें स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना है। यहाँ पे आपको चार्ट के साइड में आपको दिखाई देगा स्मार्ट आर्ट, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको यानी जो ऑप्शंस है या ऑप्शंस के सारे जो भी है यहाँ पे आपको ऑल में दिखाई देंगे। तो अभी हमें साइकिल चाहिए, तो हम जाएंगे साइकिल पे, यानी यहाँ पे जो है यहाँ पे हम साइकिल में जाएंगे। जैसे ही हम साइकिल पे क्लिक करते हैं यहाँ पे हमें गियर का एनिमेशन नीचे दिखाई देगा। तो गियर पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके स्लाइड पे इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसे इफेक्ट भी दे सकते हो अगर आप चाहो तो। अभी हम फिलहाल के लिए ये कलर रख देते हैं। अभी इसे हमें अनग्रुप करना है तो हम इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करना है और अनग्रुप में कर देना है। अभी भी ये प्रॉपरली नहीं हुआ है तो इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करना है और ग्रुप जाके अनग्रुप कर देना है। अभी इसका हमें वेस्ट मटेरियल निकाल देना है, जैसे वो एरोज है, ये एरोज को हम डिलीट कर देंगे। ये हमारे एनिमेशन के लिए वेस्ट है। यहाँ पे आपको डिफॉल्ट पोजीशन दिखाई गई है, आप अगर चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ रख देंगे और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी हमें इनके सेंटर में सर्कल इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे से हम सर्कल ले लेंगे और ड्रॉ करेंगे। अभी आप इसे कितना भी स्ट्रेच करो तो ये हो रहा है। अगर आप शिफ्ट होल्ड करोगे तो सिर्फ ये परफेक्ट सर्कल होगा। तो शिफ्ट होल्ड करके हमें ड्रॉ करना है, कंट्रोल डी कर देना है, जिससे ये एज इट इज डुप्लीकेट शेप हो जाएगा। होने के बाद वापस से कंट्रोल डी कर देना है जिससे ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अभी हम इसका साइज शिफ्ट होल्ड करके लार्जर कर देंगे और इसके बाद शिफ्ट होल्ड करके तीनों भी गियर के अंदर के सर्कल को सिलेक्ट करके व्हाइट कलर हम दे देंगे। तो अभी हमें शिफ्ट होल्ड करके बाहर के गियर को और अंदर के सर्कल को होल्ड करके कंट्रोल जी कर देना है, जिससे ये एक ग्रुप हो जाएंगे। तो अभी हमें सबको ग्रुप कर देना है, हमें सेपरेट ही रखना है सब गियर्स को, सिर्फ सर्कल को ग्रुप करना है। तो ये होने के बाद अभी हमें इसे एनिमेशन देना है। चलिए अभी हम इसे एनिमेशन देते हैं। हमें यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके सभी शेप्स को सिलेक्ट कर देना है, एनिमेशन में जाना है और यहाँ पे एनिमेशंस में जाके एम्फसिस में हमें स्पिन एनिमेशन दे देना है। तो यहाँ पर हमें दोनों भी छोटे गियर्स को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट ऑप्शन में जाके काउंटर क्लॉकवाइज कर देना है। तो अभी हमें एनिमेशन पेन ओपन रखना है, यानी जो भी एनिमेशन हम यहाँ करें यहाँ हमें दिखाई दे। तो ये सब एनिमेशन यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। तो हमें सब एनिमेशंस को ऐसा करना है कि जब तक हम नेक्स्ट क्लिक नहीं करेंगे ये चलते रहेंगे। तो फर्स्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, इफेक्ट ऑप्शन में जाना है, स्मूथ स्टार्ट स्मूथ एंड को 0 कर देना है, टाइमिंग में जाना है और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है रिपीट, उस रिपीट में जाके अनटिल नेक्स्ट क्लिक तीनों को भी कर देना है हमें। अभी हमें ओके कर देना है तो हमारा एनिमेशन परफेक्टली रन होने लगेगा। अभी यहाँ पर हमें इन्हें कलर देना है, यानी जो पीछे के गियर से उसे हमें कलर देना है। तो हम एक को सिलेक्ट करेंगे, एक को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके अनग्रुप कर देंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। राइट क्लिक करके आपको अनग्रुप कर देना है।
सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आपको अनग्रुप कर देना है। अनग्रुप कर देने के बाद आपका हर एक पार्ट अलग अलग हो जाएगा। हो जाने के बाद आपको होम पेज पे जाना है और गेयर को कलर दूसरा दे देना है। यहाँ पे मैंने ये कलर दिया है, आप भी दूसरा कलर दे सकते हो। तो जैसा आपने हमने कलर दे दिया है, अभी ये कलर दे देने के बाद वापस से हमें ग्रुप करना है। अभी यहाँ पर एक मिस्टेक ये हो चुकी है हमारी कि हमारे जो एनिमेशंस है वो एनिमेशंस रिमूव हो चुके, वो एनिमेशन को हमें वापस इसमें इंसर्ट करना है। तो चलिए हम एनिमेशन को इंसर्ट करते हैं। अभी सेटिंग कर लेने के बाद अभी हमारा एनिमेशन कैसा हुआ है हम देखते हैं। अभी जैसे ही हमने क्लिक किया हमारा एनिमेशन शुरू हो गया और जब तक हम नेक्स्ट क्लिक नहीं करेंगे एनिमेशन ओवर नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। आज के लिए बस इतना ही। और वीडियोज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करें या फिर इनमें से एक वीडियो को चूज करके वीडियो कंटिन्यू करें।